शाहरुख खान की जवान एक मास एंटरटेनर फिल्म होने के साथ साथ कई सारे सामाजिक मुद्दे भी उठाती है। फिल्म में सानिया मल्होत्रा ने डॉक्टर इरम का रोल किया। उनके इस किरदार ने सभी का ध्यान खींचा। सानिया एक सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए जी जान लगा देती हैं। अस्पताल में 63 बच्चों की मौत हो जाती है और सरकार उन्हें लापरवाही के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। फिल्म का ये सीन 2017 के गोरखपुर अस्पताल में हुई त्रासदी की याद दिलाता है, जब डॉक्टर कफील को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिल्म देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इसकी चर्चा करने लगे। अब कफील खान ने एक वीडियो शेयर कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कफील ने शाहरुख खान और निर्देशक एटली को धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि जवान देखी तो नहीं, लेकिन कई लोगों ने उन्हें फोन करके ये बताया। फिल्म में न्याय मिल जाता है, लेकिन वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। शेयर किए गए वीडियो में कफील खान कहते हैं, कल से बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जवान में डॉक्टर इरम का जो किरदार है वो कफील से मिलता जुलता है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी से बहुत से बच्चों की मौत हो जाती है और सरकार डॉक्टर को ही प्रताड़ित कर जेल भेज देती है। कल से ही बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जवान मूवी में जो डॉक्टर इरम का किरदार है वो डॉक्टर कफील की कहानी से मिलता जुलता है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी से बहुत से बच्चों की मौत हो जाती है और सरकार डॉक्टर को ही प्रताड़ित करके जेल में डाल देती है। मैंने मूवी देखी नहीं है और मैं उस पर कमेंट बहुत नहीं कर सकता। लोग कह रहे हैं तो जब तक मूवी देख ना लूँ मैं नहीं कह सकता। बहरहाल मैंने उस पर किताब लिखी हुई है अपनी ज़िंदगी पे, द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी, और वो हिंदी, उर्दू और तमिल, मलयालम, मराठी में अवेलेबल है। और ना ही मेरे ना मूवी डायरेक्टर साहब, ना एटली से या फिर शाहरुख खान से या किसी को भी मैंने कोई अपनी मूवी का राइट भी नहीं दिया है, मुझे पता भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि लोगों का कहना है कि मूवी के एंड में जैसे रील और रियल लाइफ में डिफरेंस होता है, मूवी में जो कल्प्रिट हेल्थ मिनिस्टर साहब होते हैं उनको उनकी सज़ा मिल जाती है, रियल लाइफ में डॉक्टर कफील को भी अभी भी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। कफील खान ने ये वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, मैंने जवान देखी तो नहीं पर लोग फोन मैसेज कर कह रहे हैं कि आपकी याद आई। फिल्मी दुनिया और असली जिंदगी में बहुत फर्क होता है। जवान में गुनहगार, स्वास्थ्य मंत्री वगैरह को सजा मिल जाती है, पर यहाँ तो मैं और वे 81 परिवार आज भी इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। शुक्रिया शाहरुख खान जनाब और एटली सर का सोशल मुद्दा उठाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।